हे गाइस, दिस इज शिवा। स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज की एक और नई वीडियो पार्ट नंबर 52 में। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी वीडियोस के लिंक्स वहां पे मिल जाएंगे, वहां से उन्हें आप देख लेना। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और आप आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी इस सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और साथ ही साथ इस बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को कभी मिस ना कर सके। आई होप आपने कर दिया होगा। तो चलिए गाइस, अब बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो गाइस, पहला सेंटेंस है, आपके दिमाग में क्या है, यानी कहने का मतलब यह है कि आप क्या करने का सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या विचार है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड। मेरे साथ बहस करना बंद करो, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, आई हैव नो टाइम फॉर दिस, आई हैव नो टाइम फॉर दिस। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, यानी इस काम में ज्यादा समय नहीं लगेगा। This won't take long, this won't take long। कोई नहीं जानता कि मैं यहां हूं, No one knows I'm here, no one knows I'm here। तुम एक हत्यारे हो, यू आर अ मर्डरर, यू आर अ मर्डरर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आई फील लाइक आई हैव सीन यू समवेयर, I feel like I have seen you somewhere। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? Did you hear what I said? Did you hear what I said? तुमने मुझे खतरे में डाल दिया, यू पुट मी इन डेंजर, यू पुट मी इन डेंजर। मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, Tell me everything you know, tell me everything you know। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, I told you everything about me, I told you everything about me।
मैंने तुम्हें अपने सारे राज बता दिए। आई टोल्ड यू ऑल ऑफ माई सीक्रेट्स। आई टोल्ड यू ऑल ऑफ माई सीक्रेट्स। तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। यू हैवन्ट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट यू। यू हैवन्ट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट यू। तुम्हारे पास क्या है? What do you have? What do you have? मैं आपको अभी नहीं बता सकता। I can't tell you right now. I can't tell you right now. असल बात पर आओ, यानी मुद्दे पर आओ। इसे आप इंग्लिश में कहोगे गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट। मैंने आपसे पहले पूछा। आई आस्क यू फर्स्ट। I asked you first. तो ये थे गाइस आज के कुछ यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी होगी तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।